बोने से पहले यहाँ पर नारियल और अगरबत्ती लगा। हम मम्मी भाभी डूब रहे हैं, भाभी डाल रही डीप फ्रीजर। जमीन के अंदर से पूरा भाप निकल रहा था, गर्म निकल गया है। इधर रानी भाग गई उधर। हाय दोस्तों, जय जवाहर, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे आप सभी, आशा करती बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं आ चुकी हूँ गांव, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय जवाहर सभी को। और अभी है सुबह सुबह का टाइम, सुबह नहीं 10 बज चुके हैं और सब ने खाना आना सब काम हो चुका है घर का, और सब लोग जा रहे हैं अभी खेत। खेत क्यों जा रहे हैं? खेत जा रहे हैं गाइस बोने के लिए। और इधर बारिश नहीं हो रही, लेकिन सब बोने के लिए जा रहे हैं खेत। तो चले अपन भी चलते हैं। फिलहाल ये हमारी फर्स्ट बोनी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज ही हम फर्स्ट खेत को बखरेंगे, सॉरी बोएंगे। आज फर्स्ट है खेत बोने का। तो हम उधर जाएंगे ऊपर जंगल खाती, तो अभी चलते हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा फिलहाल धूप हो रखी है और इसको रख लेते हैं। सैंडल ले भाई, दे दे रे, मैं पहनूँ? नहीं, बना के दे। बन जा है, छोटी है, छोटी नहीं है, छोटी नहीं है। चलो जवाली। अभी मैं डीएफपी लेकर और बच्चों के साथ निकल गई हूँ खेत के लिए। खेत ऊपर तक जाना है, इनको बोल रही जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि मेरा सिर में जो डीएफपी रखा है ये बहुत भारी है। और रिलू बोल रहा चल ही तो रहूं, ऐसा करके दौड़ दौड़ के चल रहा, बुआ का वजन लग रहा था, है ना रिलू। हमारे इतना पूरा सूखा पड़ चुका है, अभी भी बारिश नहीं हुई, लेकिन हमने फिर भी बोने के लिए जा रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा बना बना लग रहा है। तो जब बारिश हो जाती है तो ऊपर जो खेत है वहाँ पर बोते नहीं बनता। आज बोएंगे हम मक्का, मक्का बोएंगे और कुछ कुछ बोएंगे, तो आप लोग देखिएगा हमारे इधर किस तरीके से मक्का बोते हैं हम लोग। और रानी रोते रोते वापस चली गई, वो बोल रही थी कि जामुन खाने जाना, उन्हें बोल दिए फिर खाएंगे जामुन। जामुन का पेड़ इधर ही पास में है, तो रिलू बस आया मेरे साथ। बोने से पहले यहाँ पर नारियल और अगरबत्ती लगाते हैं, और यहाँ पर दो चार दाना भी रखते हैं जो कि देख सकते हैं। नारियल इन्होंने पहले ही फोड़ के खा लिए हैं, और मक्का भी बगरा लिए हैं और बीनने में बिजी हैं। तो ये रहा हमारा मक्का की थैली। यहाँ पर हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ें लेकर आ गए, सभी चीज़ें मतलब पानी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इधर पानी नहीं मिलता। पहुंची नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, बस थोड़ा हो गई कटल लगी। चलते हैं अभी मक्का घर बना दिए हैं, अब इन्हीं घरों में टपकाना हमको मक्का कुछ इस तरीके से, ज्यादा दूर दूर नहीं टपकाना है, बस पास ही पास में। हमको आदत तो हो चुकी है, तो हम बराबर से टपका देते हैं हमारे हिसाब से। और ये वाला पूरा बोना है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, बहुत धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस। सारे लोग बोने लग रहे हैं, पापा जी हर रहे हैं और हम मम्मी भाभी डूब रहे हैं, भाभी डाल रही डीप फ्री और मम्मी हमें डूब रहे हैं। हो गई कारी, आगा।
खा लो गागा, खा ले गागा। तो गाइस फाइनली बोकर खत्म हो चुका है। नीचे के बोने के बाद ये जो दिख रहा है ये वाला बोर, और इतनी ज़्यादा धूप है गाइस। नीचे ज़मीन के अंदर से पूरा भाप निकल रहा था गरम गरम, क्योंकि बहुत धूप है और पूरी मिट्टी जो है ना बहुत गर्म हो चुकी है। पैर बहुत जल्दी, मेरे पैर ऐसे हो चुके हैं हालांकि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बोना पड़ा। बारिश नहीं हुई है लेकिन फिर भी बो दी है, क्योंकि एकदम से बारिश हो जाएगी और फिर सारे खेत कैसे होंगे करके पता नहीं गाइस कब होगी बारिश। बट कहते हैं ना कि जब बारिश होने वाली रहती है किसान को पता चल जाता है, इसलिए पापा ने बोले बो देते हैं, तो बो दिए हैं फिलहाल। और बहुत ज़्यादा प्यास लगी। हाँ ऊपर ऊपर चलो, सब उधर जा चुके हैं, तपन भी उधर ही चलेंगे पानी पीने के लिए। बहुत गर्मी गाइस, ऊपर से पत्ता लेकर जाएंगे। पानी का जो मिठास है ना ऊपर से पत्ते में, बहुत ही मीठा लगता है पानी। ऊपर से पत्ते में पानी सबसे ज़्यादा मीठा लगता है, तो चलो लेकर चलते हैं और पीते हैं अपन। इस टाइप का इसका बनाएंगे हम थोला और इसमें पीएंगे पानी। तो गाइस अभी आने वाला बहुत जोर का पानी इधर उतर चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं घर जल्दी से निकल, रोना नहीं। तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत जोर का पानी उतरा हुआ है इधर से, इधर हम आमा कुल बोलते हैं इधर से। और अभी भी बारिश होने लगी है, अपने पास फ़ोन छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए। और अच्छा हुआ ना गाइस हमने बोए और आज बारिश भी होने लगी। आई एम सो हैप्पी। हैप्पी ना बच्चा तू? बारिश हो रहा है, और पता है जब फर्स्ट बारिश होती है तो हम नहाते हैं, लेकिन मैंने आज सुबह ही नहा लिया था तो ना नहाएंगे। और इधर ना बड़ी बड़ी खातियाँ गाइस, तो मुर्म वाली और उतर निगुनी बनता। और कल हम ना स्पेशल जगह घूमेंगे, कल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी हम और बोते एक खेत, लेकिन बारिश आने लगी तो अभी हम जाने लगे हैं। तो ठीक है पहले नीचे उतर जाते हैं, देखो कैसे गिरने को बनाइए, आराम से आओ। बहुत ज्यादा बारिश, बहुत निकल गया है इधर, रानी पहले भाग गई उधर, हमको छोड़ के लकड़ी अकड़ी सब फेंक दी। और यार लुक लेकर मैं फाइनली गाइस बारिश हो ही गई आज। और हमारे घर की कुर्सी उधर रखी, देखो पेड़ के नीचे, पता नहीं कौन बैठता होगा, भूत बैठते होंगे। पापा जी को लगता था कि आज बारिश होगी, तो फाइनली आज बारिश हुई और हमने अच्छे से बो भी दिए। अब एक और खेत बचा उधर, बाकी इधर इधर है और थोड़ा आगे जाने के पश्चात है। कैसी हालत हो गई गाइस, शायद बारिश होने वाली थी इसलिए हमको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और बहुत ज़्यादा पसीना ऐसे टपक रहा था जैसे पानी टपक रहा हो। बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर रखा हमारा ये बोलते इसको टाटरो, गर्मियों के समय वाला होता बोलते, नदी का पानी बगा बगा कर। तो गाइस बारिश हो चुकी है बंद और मौसम हो चुका है एकदम साफ साफ, तो नहीं बट अभी बज रहा थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसे। तो गाइस आज हमारे इधर लाइट तो आएगी नहीं, आज ही नहीं आएगी कि कल भी नहीं आएगी नहीं पता, क्योंकि इधर बारिश हुई धुंध फापड़ चला तो लाइट नहीं आती है, तो लाइट नहीं आएगी। और मेरे पास अभी 20% चार्ज है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, तब तक लिए बाय बाय टाटा चचवा।